हेलो एंड वेलकम। आईसीआर टेक्नीशियंस के एक्सपीरियंस का ग्रेट ऑनलाइन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है एमडी समी। आज का ये सेशन आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में सोशल साइंस के 9th क्लास के फ्रेंच रिवोल्यूशन से कुछ MCQs को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि फ्रेंच रिवोल्यूशन मैं आपको समझाऊँ भी, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेके आऊँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप सिर्फ MCQs प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि ICR टेक्नीशियंस की प्रिपरेशंस हम लोग कैसे करें, तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो हम लोग लेके आने वाले हैं ICR के लिए। ICR टेक्नीशियंस के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो टोटली NCERT बेस्ड होते हैं। तो बच्चों, NCERT बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, उसे डीपली पढ़ने में आपका टाइम बहुत जाएगा। अगर हम लाइन बाय लाइन किसी टॉपिक को कवर करेंगे तो हमारा 5 से 6 घंटे चला जाएगा। उन बच्चों के लिए, जो बच्चों को लगता है कि हमारे पास कम टाइम है, उन बच्चों के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों को उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है जो बोल्ड में लिखा है, या डिड यू नो में लिखा हुआ है, या फिर जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिए। यहीं से MCQs बनते हैं और आप क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं कम टाइम में। जो बच्चे लाइन बाय लाइन अपने टॉपिक्स को कवर कर ले रहे हैं उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अपना प्रिपरेशंस आप लोग को इसी तरीके से लगातार करते रहना है। आपको झमेलों में नहीं पढ़ना है कि एग्ज़ाम्स आपका पोस्टपोन्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपका एग्ज़ाम टाइम पे होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप प्रिपेयर्ड हो जाएंगे एग्ज़ाम के लिए। और अगर आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होता है तो और भी अच्छे से तैयारी करने के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। तो आप उसे बेफिक्र हो जाइए और अपनी तैयारी में लग जाइए। अपना प्रिपरेशंस आपको पहले से करके रखना है ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके, रैंक ला के आप सिलेक्शन पा सकें। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु सेड द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पीपल हैज़ बिन गिवन टू द रिच। हिंदी के बच्चों के लिए, किसने कहा लोगों का प्रतिनिधित्व करने का काम अमीरों को दिया गया है? इसका आंसर है जीन पोल मराठ। तो जीन पोल मराठ जो थे वो एक फिलोसोफर थे, वो भी पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। ये जो भी पॉलिटिक्स में या राजा के द्वारा जो भी गलत फैसले लिए जाते थे जिसमें आम आदमी के हक को दबा दिया जाता था, उसके खिलाफ ये विरोध करते थे, उसके खिलाफ ये आवाज़ उठाते थे और लोगों को जागरूक करते थे ताकि लोग जगे और अपने हक के लिए लड़ें। तो कोई भी रिवॉल्यूशन, जो भी रिवॉल्यूशन आज तक हुआ है हिस्ट्री में, चाहे वो रशियन रिवॉल्यूशन हो, चाहे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो, चाहे कोई भी रिवॉल्यूशन है, जब गरीबों का हक मारा जाता है, उनके राइट्स को छीन लिया जाता है, तभी भी कोई भी रिवॉल्यूशन का जन्म होता है, क्रांति जन्म लेती है। तो जो जीन पोल मराठ है ये फिलोसोफर थे, लोगों को जागरूक करते थे और ये इस कथन का विरोध कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल असेंबली फ्रेम्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791 टू लिमिट द पावर ऑफ डैश। हिंदी के बच्चों के लिए, नेशनल असेंबली ने 1791 में एक संविधान बनाया था जिसमें डैश की शक्तियों को सीमित किया गया था। इसका आंसर है मोनार्क, यानी कि सम्राट। जो भी फ्रांस के सम्राट थे, जो कि लुई सिक्सटीन ने 1789 में नेशनल असेंबली का गठन किया था और 1791 में नेशनल असेंबली ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, संविधान बनाया, जिसमें उनके पावर को कम किया गया ताकि वो आम आदमी पे, प्रजा पे अत्याचार ना कर पाए। तो उनके पावर को कम करने के लिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का गठन किया गया नेशनल असेंबली के द्वारा। तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा कि लुई सिक्सटीन ने नेशनल असेंबली का गठन किया था 1789 में और 1791 में नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें सम्राट के पावर का, यानी कि लुई सिक्सटीन के पावर को कम किया। अगला क्वेश्चन है, हु रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। हिंदी के बच्चों के लिए, प्रभावशाली पैम्फलेट व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट किसने लिखा था?
इसका आंसर है एबेसियस। तो एबेसियस जो थे वो फिलोसोफर थे, ये भी एक फिलोसोफर थे जो ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते थे और पैम्फलेट को लिखते थे। तो इनका जो काम था ये मतलब लोगों को जागरूक करते थे कि तुम जागो और ह्यूमन राइट्स, अपने अधिकारों को जानो और अपने अधिकारों को जान के अपने हक के लिए लड़ो। तो ये जो पर्चे बांटते थे न्यूज़पेपर वगैरह में भी, अपने जो है थॉट को लिखते थे, अपने विचार को बताते थे और पैम्फलेट भी बांटते थे, जिससे लोग जो है बहुत ही प्रभाव उन पर पड़ता था और वो जागरूक होते थे। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, जैसे मैंने आपको बताया कि जो इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जन्म है इसीलिए हुआ था कि गरीबों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा दबा दिया गया था, उनके राइट्स को मार दिया गया था, तो अपने राइट्स के लिए यहाँ पे रिवॉल्यूशन किया गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो एबेसियस जो है वो वुमेन राइट्स के बारे में बोलते थे जिससे लोगों पर प्रभाव पड़ता था। तो बच्चों अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अब सेपरेट वीडियो में थ्योरी लेके आऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप एमसीक्यूज पढ़ ले रहे हैं, इसे इस तरीके से याद रख ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है विच ग्रुप ऑफ पीपल डिड नॉट ज्वाइन द जेकोबिन क्लब। हिंदी के बच्चों के लिए किस समूह के लोग जेकोबिन क्लब में शामिल नहीं हुए। इसका आंसर है मैन विद प्रॉपर्टी, संपत्ति वाले पुरुष यानी कि अमीर लोग। जो भी अमीर लोग हैं वो जेकोबिन क्लब में शामिल नहीं थे। जेकोबिन क्लब का गठन जो है वो थर्ड स्टेट के द्वारा किया गया था, तो थर्ड स्टेट के लोग इसमें सिर्फ मेंबर थे। तो ये गरम दल के लोग थे जो कि हिंसा का रास्ता अपना के अपने हक के लिए लड़ते थे। जैसे कि आप भारत में देखे होंगे भगत सिंह जो है अपने हक के लिए लड़ने के लिए हिंसा का रास्ता अपनाते थे। तो इनका जो मोटो था ये था कि जो भी ये स्टेप लेंगे उसका जो फ़ायदा है वो राजा को ना पहुँचे, वो सिर्फ आम लोगों तक ही रहे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंच वुमेन डिमांडेड द राइट। हिंदी के बच्चों के लिए फ्रांसीसी महिलाओं ने अधिकार की मांग की। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंच का जो नियम था वहाँ के राजा ने नियम बनाया था कि जो टैक्स देगा वही सिर्फ वोट दे सकता है, वो भी सिर्फ मेंस के लिए। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से भारत को मदरलैंड कहा जाता है उसी तरीके से फ्रेंच को फादरलैंड कहा जाता है, जिसे उन लोग ला पैट्री कहते हैं। तो ला पैट्री का मतलब ही होता है फादरलैंड। तो वहाँ सिर्फ पुरुषों को अधिकार था, वो भी सिर्फ वो पुरुष जो फर्स्ट स्टेट में बिलोंग करते हैं, यानी कि सिर्फ राजा और प्रिस्ट लोग, पुजारी लोग, अमीर लोग जो हाई सोसाइटी वाले थे वही वोट कर सकते हैं जो कि टैक्स पे करते हैं। तो जो ज़्यादा टैक्स पे करते हैं वो राजा के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता था, उन लोगों को रिप्रेजेंटेटिव बना देता था जैसा भी वो करता था। तो वुमेन लोगों ने, वहाँ की जो औरतें थी फ्रेंच वुमेन जो थी, उन लोगों ने अपने हक के लिए आवाज़ उठाया और जो अधिकार की मांग की वो है टू वोट, और विधानसभा में चुने जाने के लिए का भी अधिकार के लिए मांग किया, और पॉलिटिकल ऑफिसेस में वो एज अ ऑफिशियल ऑफिसर जो है वो वहाँ पे जा सके, इस राइट्स के लिए भी उन लोगों ने आवाज़ उठाया। अगला क्वेश्चन है अ ट्रायंगुलर स्लैब ट्रेड टुक्स प्लेस बिटवीन यूरोप द अमेरिकाज एंड। हिंदी के बच्चों के लिए यूरोप अमेरिका और डैश के बीच एक त्रिकोणीय दास व्यापार हुआ। इसका आंसर है अफ्रीका। तो जो यूरोप के लोग थे वो अफ्रीका से स्लैब को ला के अमेरिका को सप्लाई करते थे, तो जो सिर्फ उनकी ज़रूरत की चीज़ें होती थी सिर्फ वही वो खरीदते थे, इसीलिए इसे जो है ट्रायंगुलर स्लैब का नाम दिया गया है, जिससे वो ट्रेडिंग करते थे। तो ट्रेडिंग यहाँ पे कैसे हुआ कि जब हम स्लैब को लाएंगे उनके खाने पीने की चीज़ या जितने भी ज़रूरत की चीज़ें होंगी सिर्फ उन्हीं चीज़ों का वहाँ पर ख़रीदारी की जाती थी, इसीलिए इसे ट्रायंगुलर स्लैब का नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन है अपॉन बिकमिंग फ्री द स्लेव वोर। हिंदी के बच्चों के लिए मुक्त होने पर दास ने पहना था। इसका आंसर है रेड कैप। तो जो अफ्रीका के लोगों को गुलाम बना दिया गया था, गुलाम बनाया जाता था उन्हें, एज अ स्लेव ट्रीट करते थे अमेरिका के लोग। तो यहाँ पे जब वो फ्री हो गए, अपनी आज़ादी पा गए, तो उन्होंने लाल टोपी पहन के सिंबलाइज किया। अभी भी अमेरिका के लोगों की जो मेंटेलिटी है वो चेंज नहीं हुई है, बहुत से लोग की मेंटेलिटी वही है। तो जब वो ट्रीट करते हैं गोरे काले लोगों को, यानी कि अफ्रीका के लोग काले होते हैं, तो जब उन्हें वो ट्रीट किया जाता है तो अफ्रीका के लोग जो है रेड के पहन के ये सिंबलाइज करते हैं कि अब हम आज़ाद हैं। अगला क्वेश्चन है हु वर नॉट कंसिडर्ड पैसिव सिटीजन्स।
हिंदी के बच्चों के लिए किसे निष्क्रिय नागरिक नहीं माना जाता था? इसका आंसर है वेल्दी पीपल, अमीर लोग। तो सोसाइटी जो है दो पार्ट में बटी थी, एक्टिव सिटीजन्स एंड पैसिव सिटीजन्स। तो जो एक्टिव सिटीजन्स थे वो रिच पीपल होते थे और पैसिव सिटीजन्स जो हैं वो गरीब लोग होते थे। अगला क्वेश्चन है, थर्ड स्टेट कंप्राइज, हिंदी के बच्चों के लिए तीसरे स्टेट में शामिल थे। इसका आंसर है ऑल द अबव, यानी कि राजा और प्रीस्ट को छोड़ के जितने भी लोग थे वो थर्ड स्टेट में आते थे, चाहे वो गरीब नौकरी हो, पुअर सर्वेंट हो, चाहे वो स्मॉल पीजेंट्स हो यानी कि छोटे किसान, चाहे वो आर्टिसियन ही क्यों ना हो, कारीगर ही क्यों ना हो, या फिर बिग बिजनेसमैन हो, बड़े व्यवसाय वाले व्यापारी या वकील ही क्यों ना हो, सारे लोग जो हैं वो थर्ड स्टेट में आते थे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग डिसीजंस वॉज टेकन बाय द कन्वेंशन, हिंदी के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय कन्वेंशन द्वारा लिया गया था? इसका आंसर है डिक्लेयर फ्रांस अ रिपब्लिक, फ्रांस को एक गणराज्य घोषित किया। तो जब फ्रांस को रिपब्लिक बना दिया गया तो फ्रांस जो है छोटे छोटे स्टेट्स में बट गया और जो पावर है वो एक सेंटर में दे दिया गया, यानी कि जो पूरे फ्रांस का पावर है वो सेंटर में रहेगा और वो जो है वो राजा के अंडर में रहेगा। जैसे कि हिंदुस्तान में आपने देखा, भारत में होता है कि स्टेट्स में बटे हुए हैं और इनका जो हेड है वो सेंटर से कंट्रोल होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी है जो पूरे भारत को कंट्रोल करती है, यानी कि टोटल पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। उसी तरीके से फ्रांस को भी रिपब्लिक घोषित किया गया। तो फ्रांस को जब रिपब्लिक घोषित किया गया तो उसका जो डेट है वो 21 सितंबर 1792 में घोषित किया गया था, इस डेट को आप लोग याद रखिएगा। फिर जो है 1804 में नेपोलियन बोनापार्टे आए और पूरे फ्रांस का हेड बन गए। तो सबसे अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हु वाज द फर्स्ट एम्परर ऑफ फ्रांस, तो नेपोलियन बोनापार्टे पे आप टिक करके आएंगे, क्योंकि वही थे जो सबसे पहले हेड बने, पूरे फ्रांस के हेड बने। जैसे कि भारत में सबसे पहले जो पूरे भारत को कब्जा किए वो अशोका थे, तो अशोका ने पूरे भारत पे कब्जा किया था, उसके भारत के हेड बन गए थे। इसी तरीके से नेपोलियन बोनापार्टे ने पूरे फ्रांस को कब्जा किया और उसके वे हेड बन गए, यानी कि 1804 में ये हेड बने थे। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपन, हिंदी के बच्चों के लिए निर्वाह संकट कैसे होता है? इसका आंसर है ऑल द अबव। तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब होता है बच्चों कि जब हमारे पास इतना भी संसाधन ना बचे कि हम रोटी या अपने बेसिक जरूरतों को पूरा कर सके, खाने पीने की चीज़ों को पूरा ना कर सके, और उस कमी के वजह से हम कमज़ोर पड़ जाएं, हम बीमार पड़ जाएं और हमारी मौत होने लगे, तब जो है किसी भी देश में सब्सिस्टेंस क्राइसिस आती है। तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मेन कारण होता है कि बैड हार्वेस्ट लीड टू स्कैसिटी ऑफ ग्रेन, जब हमारी फसल अच्छी नहीं होगी तब अनाज की कमी हो जाएगी, अनाज की कमी होने के वजह से प्राइसेस जो है वैल्यू बढ़ जाएगा, हर एक चीज़ जो है महंगी बिकने लगेगी। महंगा बिकने की वजह से जिनके पास पैसा नहीं होगा वो कैसे उन चीज़ों को खरीद पाएंगे, वो अपनी ज़रूरत को कैसे पूरा कर पाएंगे? तो जब अपनी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाएंगे, खाने पीने की कमी की वजह से वो बीमारी को ग्रसित हो जाएंगे और उनकी मौत होने लगेगी। इसी तरीके का जो ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस है ये भारत में भी आया था, 1962 में आया था, जब पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था भारत का, उस टाइम पे आया था। तब लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा लगा के ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आया, और जो है 1972 में जब बांग्लादेश से लड़ाई हो रहा था तब ये क्राइसिस आया था, और 1992 में भी आया था। तो जब देखा वहाँ के राजा ने देखा, भारत के राजा ने देखा कि अब जो है लोगों के पास इतना भी संसाधन नहीं बचा है कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके, अब वो विद्रोह कर देंगे, तो भारत को क्या किया गया था, लिबरलाइजेशन कर दिया गया था, यानी कि व्यापार के लिए खोल दिया गया था, कोई भी इंसान जो है अब व्यापार कर सकता है, नहीं तो बहुत ही क्राइसिस आने की चांसेस है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अनट्रू अबाउट द थर्ड स्टेट, हिंदी बच्चों के थर्ड स्टेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
इसका आंसर था थर्ड स्टेट वॉज मेड ऑफ द पुअर ओनली, तीसरा स्टेट केवल गरीबों से बना था। तो जो थर्ड स्टेट का जो गठन हुआ था इसका ये मोटिव नहीं था कि खरीब गरीब लोग उसमें आएंगे, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर है, इसमें सारे लोग आएंगे, सिर्फ उन लोगों को छोड़ के जो प्रीस्ट हैं यानी कि पुजारी हैं और जो राजा हैं। अगला क्वेश्चन है अ गिलोटिन वॉज डैश, हिंदी के बच्चों के लिए एक गिलोटिन डैश था। इसका आंसर है डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स एंड अ ब्लेड फॉर कटिंग पीपल्स हेड, लोगों के सिर काटने के लिए दो डंडे और ब्लेड से युक्त एक उपकरण। तो एक गिलोटिन जो है ये एक डिवाइस था जिससे इंसान के सर को धड़ से अलग कर दिया जाता था। जैसा आपने मूवीज में देखा होगा कि दो पोल होता है, दो पोल के बीच में ब्लेड को फंसा देते हैं और नीचे में फ्लोर में जो है एक गर्दन के टाइप का कटिंग होता है, वहाँ पे गर्दन रख के ऊपर से ब्लेड को गिरा देते हैं जिससे जो है पीछे से हमारा सर कट जाता है। तो यहाँ का जो फ्रांस का जो सज़ा दिया जाता था जो लोग गुनाह करते थे या जो गलत काम करते थे, तो ये पनिशमेंट जो है इसी के जरिए दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है What was the substance crisis which occurred frequently in France? हिंदी के बच्चों के लिए फ्रांस में अक्सर होने वाला निर्वाह संकट क्या था? इसका आंसर है एक्सट्रीम सिचुएशन एंडेंजरिंग द बेसिक मीन्स ऑफ लेवलीहुड, आजीविका के बुनियादी साधनों को खतरे में डालने वाला एक चरम स्थिति। तो जो फ्रांस के लोग थे वो उनके पास इतना भी संसाधन नहीं होता था कि अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा कर सके, तो वहाँ के लोगों के लिए जीना ही सबसे बड़ा डेवलपमेंट माना जाता था कि वो जिंदा रह जाए, वही उन लोगों के लिए सबसे बड़ा डेवलपमेंट होता था। अगला क्वेश्चन है द टर्म ओल्ड रिजिम इज यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब डैश, हिंदी के बच्चों के लिए ओल्ड रिजिम शब्द का प्रयोग आमतौर पे डैश का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर है सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789 AD, 1789 ईस्वी से पहले फ्रांस की सोसाइटी और संस्थान, जो भी सोसाइटीज़ हम फ्रांस की डिस्कस करते हैं तो 1789 ईस्वी से पहले की जो सोसाइटीज़ हैं, जो भी घटनाएं हुई हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए ओल्ड रिजिम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दिस बुक्स वॉज रिटन बाई जॉन लॉक, हिंदी के बच्चों के लिए इनमें से कौन सी पुस्तक जॉन लॉक द्वारा लिखी गई थी? इसका आंसर है टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, सरकार पे दो ग्रंथ। तो जो जॉन लॉक थे ये लिबरलाइजेशन पॉलिसी को फॉलो करते थे, इनकी जो सोच थी इसको ये प्रेरित किए और अपने आप को ये देखा कि जो गवर्नमेंट है वो दो पक्षी तरीके से डील कर रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि एक घर में दो बेटा है, अगर एक बहुत तेज है तो उसको ज़्यादा हर एक चीज़ दिया जा रहा है, इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, और अगर एक दिमाग से कमज़ोर है तो उसको कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, तो वो और भी कमज़ोर होता जाएगा और एक दिन बगावत कर देगा। तो ऐसी स्थिति जो है ये देखा जॉन लॉक ने कि ये गवर्नमेंट जो है अमीर लोगों को पूरा राइट्स दे के रखी है, जो उसको टैक्स दे रहा है, जो उसको टैक्स दे रहा है उसको पूरा राइट्स दे के रखा है, जो गरीब है उसको कोई राइट्स नहीं दे के रखा है। तो इस तरीके की जो सोच है इसके खिलाफ थे ये चाहते थे कि जो सोसाइटी है वो लिबरलाइज हो जाए, जैसे एक इंडिया एक लिबरल सोसाइटी है जहाँ पर आपको हर एक तरीके का व्यवसाय करने का अधिकार है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। तो यही पॉलिसी जो है जॉन लॉक चाहते थे कि यहाँ के गवर्नमेंट जो है वो अपनाए। अगला क्वेश्चन है इन द मीटिंग ऑफ स्टेट्स जनरल द मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट डैश, हिंदी बच्चों के लिए स्टेट जनरल के बैठक में तीसरे स्टेट के सदस्यों ने मांग की डैश। इसका आंसर है ऑल द थ्री स्टेट्स शुड हैव वन वोट ऑल टुगेदर, सभी तीन स्टेटों में एक वोट होना चाहिए। तो लुई 16 ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें तीनों स्टेट्स के लोग आए, टोटल 900 लोग उसमें आए थे, जिसमें से 300 लोग जो थे वो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग थे और जो 600 लोग थे वो थर्ड स्टेट के लोग थे। तो यहाँ पे ये कहा गया कि जो 1789 से जो पहले के लोग थे, जो पहले के सोसाइटी थी, उन लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था या जो भी अधिकार जिसको दिया गया था या जिस स्टेट को जो अधिकार नहीं दिया गया था उसको
आप किस नज़रिए से देखते हैं, तो यहाँ पे वोटिंग कराई गई, तो लुई 16 ने क्या किया कि हर एक स्टेट वाइज वोट का अधिकार दे दिया। तो थर्ड स्टेट ने देखा कि अगर स्टेट वाइज वोटिंग होता है तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट को तो पूरा अधिकार था, तो ये लोग का एक एक वोटिंग अगर काउंट होगा तो ये जो जीत जाएंगे, क्योंकि थर्ड स्टेट तो एक ही वोट काउंट करेगा थर्ड स्टेट का, और फर्स्ट और सेकेंड स्टेट वाले एक एक दो हो जाएंगे, तो इनका जो है ज़्यादा विनिंग कैपेबिलिटी देखते हुए थर्ड स्टेट के लोगों ने ये डिमांड किया कि पूरे नेशनल असेंबली का एक वोट काउंट किया जाए और जो लोग मेजोरिटी में हैं उन लोगों को वोट करने का अधिकार होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे इन लोगों ने डिमांड किया। तो यहाँ पे जो है थर्ड स्टेट वाले 600 लोग यानी कि मेजोरिटी में थे, तो अगर इस तरीके का वोटिंग होता है तो पूरे नेशनल असेंबली का एक वोट अगर काउंट होगा और मेजोरिटी में तो थर्ड स्टेट वाले थे ही, तो ये लोग जीत जाते। तो यही यहाँ पे मांग किया गया थर्ड स्टेट के द्वारा कि पूरे नेशनल असेंबली को एक वोट काउंट किया जाए और जो मेजोरिटी में है वो उनका वोटिंग काउंट हो, तो यहाँ पे इन्होंने ये डिमांड किया। अगला क्वेश्चन है, हु लेट द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ थर्ड स्टेट्स इन वर्सायलेस ऑन 28 जून। हिंदी के बच्चों के लिए, 20 जून को वर्साय में तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों का नेतृत्व किसने किया? इसका आंसर है बोथ ए बी, दोनों ए और बी यानी कि मीरा ब्यू एंड अबेसियस ने। अबेसियस और मीरा ब्यू जो थे फिलोसोफर थे, तो ये उसी थर्ड रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहा है जब जो ये मीटिंग बुलाया गया था लुई 16 के द्वारा, जहाँ पे इन्होंने डिमांड किया था कि पूरे नेशनल असेंबली का एक वोट होना चाहिए, उस टाइम पे मीरा ब्यू एंड अबेसियस ने थर्ड स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव किया था यानी कि नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 द नेशनल असेंबली वाज टू बी। हिंदी के बच्चों के लिए, 1791 के नए संविधान के अनुसार नेशनल असेंबली को इसका आंसर है इलेक्टेड इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। ये जब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का गठन हुआ था नेशनल असेंबली के द्वारा 1791 में, तो उनके अनुसार जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्टली होना चाहिए था। इनडायरेक्टली इलेक्शन कहने का मतलब ये है कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा, लोगों का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो लोग नहीं चुनेंगे, वो राजा चुनेगा। तो राजा के लिए तो जो ज़्यादा टैक्स देता है वो उसको जिम्मेदार नागरिक माना जाता था कि जो ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है वो एक जिम्मेदार नागरिक है, यानी कि उसको वो रिप्रेजेंटेटिव बना देगा। तो थर्ड स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे वो फर्स्ट का हो चाहे सेकंड का हो, जो उनको ज़्यादा टैक्स पे करेगा उसको वो रिप्रेजेंटेटिव बनाएगा। तो ये जो नियम है वो नेशनल असेंबली के द्वारा बनाया गया था 1791 में जब नया कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो इलेक्टेड इनडायरेक्टली, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दिज राइट्स वर नॉट एस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनलिनिएबल राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। हिंदी के बच्चों के लिए, इनमें से कौन से अधिकार 1791 के संविधान द्वारा प्राकृतिक और अक्षम्य अधिकारों के रूप में स्थापित नहीं किए गए थे? इसका आंसर है ऑल द अबव। तो जो 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो एक और चीज़ हुई थी कि जितने भी राइट्स थे वो स्थापित नहीं किए गए थे, अधिकार नहीं दिया गया था। राइट टू लाइफ का अधिकार नहीं था, जीवन का अधिकार नहीं था, ना ही आप कुछ बोल सकते हैं, ना ही आप कोई ओपिनियन दे सकते हैं, राय दे सकते हैं, और ना ही कानून में समानता था। कानून में समानता, जैसे अमीर लोग हैं तो वो पैसा देकर छूट जाएंगे, उन लोगों को पूरा लियबिलिटी था, लेकिन जो गरीब लोग हैं उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाती थी। उन लोगों को ना ही ज़िंदगी जीने का अधिकार दिया गया, ना ही कुछ बोलने का, ना ही कोई ओपिनियन देने का। तो इन चीज़ों का जो गठन है वो संविधान में नहीं किया गया था। आई होप सारे क्वेश्चंस और सारे जो टॉपिक्स हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपको समझाऊं, इसका एक सेपरेट वीडियो लेके आऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इनके आप नोट्स बना लीजिए या हमारे पीडीएफ को फॉलो कीजिए। वीडियो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।